मध्य प्रदेश में मॉनसून का अभी तक नहीं कुछ पता। हर तरफ दी जा रही लू की चेतावनी, कब होगी मध्य प्रदेश में बारिश। मध्य प्रदेश में इस साल मॉनसून का आगमन काफी देर होती दिखाई दे रही है। जिस समय मॉनसून को मध्य प्रदेश में दस्तक देनी चाहिए थी, उस समय इस हिस्से में लू चल रही है, साथ ही हीटवेव की चेतावनी भी दी जा रही है। बता दें कि एमपी में मॉनसून की शुरुआत की तारीख 13 से 16 जून के बीच की है, जबकि भोपाल में मॉनसून की आधिकारिक शुरुआत की तारीख 17 जून को है, लेकिन मौसम को देखते हुए ऐसी कोई संकेत नहीं दिखाई दे रही है। यहां लगातार लू की चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। ऐसे में सीहोर, रामगढ़, नर्मदा, पूरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देश, शाजापुर, आगर, मालवा, नीमच, गुण, अनूपपुर, शाहडोल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, पांडुरणा, खरगोन, बड़वानी आदि जिलों में डायरेक्ट चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। भोपाल के तापमान की बात करें तो यहां 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से ज्यादा है, जबकि शहर में रात का तापमान 27.0 डिग्री दर्ज किया गया है, यह भी सामान्य तापमान से ज्यादा है। ऐसे में मॉनसून का देर करना जानलेवा साबित हो सकता है।